नमस्कार, मैं रंजन कुमार अमृत न्यूज से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आपको बहुत बहुत बधाई कि आम महोत्सव सह प्रतियोगिता 2022 में जिसका आयोजन ज्ञान भवन पटना में किया गया था उसमें आपको द्वितीय पुरस्कार मिला है, कैसा लग रहा है? जी, मैं बहुत ही खुश हूँ जी, खुशी नहीं बल्कि अति उत्साहित हूँ आम महोत्सव में पार्टिसिपेट करके, क्योंकि यहाँ बहुत सारा ज्ञानवर्धन हुआ है कि कैसे बाघ को मेंटेन किया जाए, बाघ के बाद पोस्ट हार्वेस्टिंग कैसे किया जाए, उसके बाद फिर जो तत्व ये बहुत सारे चीज़ हैं आम से ये कैसे बनाए जाएँ, उसकी मार्केटिंग कैसे की जाए, एक्सपोर्ट करने के बारे में बताया गया, तो ये बहुत सारी बातें बताई गई। इसे आम महोत्सव में पहली बार भाग लिया क्या आपने? ये मैंने पहली बार भाग लिया हूँ और ये इसके लिए मुझे मोटिवेशन मिला, अपना खेत के अपना खेत चल रहा है उस प्लेटफॉर्म के आलोक कुमार सर से। ये कौन सा आम है जो आपको? ये आम्रपाली आम में बिहार में मुझे द्वितीय पुरस्कार मिला है आम महोत्सव में। आम्रपाली जो है आम बहुत ही मशहूर है, इसके बारे में कुछ बताएं। मैं बताना चाहूँगा कि आम्रपाली आम ICAR दिल्ली का हाइब्रिड किस्म का है जो दशहरी और नीलम के क्रॉस से बनाया गया है। दशहरी और नीलम के क्रॉस? जी, दशहरी और नीलम के क्रॉस से उसका संकर किस्म है, ये हाइब्रिड है। हाइब्रिड है जी। और इसकी खासियत ये है कि ये एक साल के बाद ही फलने वाली है, ऐसा कोई पौधा नहीं है आम का पेड़ जो एक साल के बाद ही फलना। स्वाद कैसा होता है? स्वाद इसका स्वाद बताएंगे? बहुत ही मिठास और बहुत ही सुस्वादु होता है और मिठास काफ़ी अधिक। आप जो है आम उत्पादक हैं वैशाली? जी, मैं अथरी सीतामढ़ी से। सीतामढ़ी से आप? मेरा नाम हुआ शंकरन। शंकरन जी, मेरा नाम हुआ शंकरन, मैं अथरी सीतामढ़ी से हूँ। अच्छा, ये आपको आम के जो खेती करते हैं उपजाते हैं इसमें आपको क्या परेशानी भी कुछ हो रही है सरकार से? कुछ कहना भी है, क्या समस्या है? आम्रपाली आम के बगीचे में हमारा जो एरिया है वह बाढ़ग्रस्त एरिया है और बाढ़ग्रस्त एरिया में जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीना पानी में ही रहता है, तो यही एक वेराइटीज है जो वाटर को रजिस्ट करके वहाँ पर हम गार्डन के रूप में मेंटेन किए हुए। अदरवाइज अगर जो ट्रेडिशनल वेराइटीज थी आम्रपाली बम्बई वगैरह वो कई बार मैं लगा चुका हूँ लेकिन मर चुका है, तो आम्रपाली वेराइटी जो है वह बाढ़ग्रस्त एरिया में भी वाटर रेजिस्टेंट है, यानी कि उसमें भी सक्सेसफुल है और हर एक साल फलने वाली किस्म है, हर एक साल फलती है ये और बोने प्रजाति की है, इसको घर में गार्डन में गमला में छत पर लगाया जा सकता है। ये जो अब जो गरीब किसान हैं गरीब लोग हैं वो भी छोटे छोटे जगह में रोप सकते हैं ये, तो इसमें हमें परेशानी ये आ रही है कि वहाँ गाछी तक जाने में बगीचे तक जाने के लिए सड़क नहीं है, जो सरकार को चाहिए कि यहाँ सड़क की सुविधा उपलब्ध हो, या अगर सड़क नहीं होने से हमारे यहाँ क्या होता है कि व्यापारी जाते नहीं है, वो इसको बीजू मानते हैं, कहते हैं कि इसका बीजू का भाव मिलेगा, जिससे हमको उस रेस्पेक्ट में हमें आमदनी नहीं हो पाती है। इस बार मुझे काफ़ी परेशानी हुई कि छोटे व्यापारी बहुत कम दाम लगाए, मैंने उस बाग को रख लिया, मॉनिटरिंग करने में काफ़ी परेशानी हुई। सरकार चाहे तो एडवांस टेक्नोलॉजी सेटेलाइट टेक्नोलॉजी से मॉनिटरिंग करने के बारे में डेवलप कर सकती है, करा सकती है ये। तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे, कृषि मंत्री से कहना चाहेंगे या माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि लैब टू लैंड एंड फार्म टू टेबल को डेवलप किया जाना चाहिए। ये तभी होगा जब बगीचे तक सड़क हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, फिर जब आम का बगीचा तैयार होता है उस समय बिजली की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए ताकि आसानी से मॉनिटरिंग हो सके। मैं एक चीज़ और इसमें जोड़ना चाहूँगा कि इसको पिकनिक स्पॉट के रूप में, जैसे गर्मी की छुट्टी होती है जो बच्चे बाहर से आते हैं कुछ छुट्टी लेते हैं, बहुत अच्छा है पर्यावरण, अच्छे पर्यावरण में उन छुट्टी बिताएंगे, पिकनिक स्पॉट के स्तर पर एक नई चीज़ है, एक नई चीज़ नई मिसाल कायम होगी, ये मैंगो टूरिज्म डेवलप हो जाएगा और लोग बाहर से बच्चे बाहर से लोग आ करके गाछी में गांव में आ करके पधारेंगे और सेल्फी पॉइंट। जगह का नाम बताइए, कहाँ आएंगे जगह का नाम? ये अथरी मुजफ्फरपुर जिला सीतामढ़ी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कहा कि मैंगो टूरिज्म होना चाहिए
इसमें विदेशी लोग भी आएंगे जी, जी, और जी, आम वाली आम खाएंगे और मजा ले पाएंगे, आम का स्वाद लेंगे, शुद्ध हवा में वहाँ रहने का मौका मिलेगा, शुद्ध वातावरण का भी लाभ मिलेगा, स्वास्थ्य भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी, मेंटल पीस मिलती है सर। और बिहार के राजस्व में भी वृद्धि होगी, बिहार के राजस्व में वृद्धि होगी, किसान का भी कल्याण होगा, विकास होगा। कोशिश मैं निवान करूंगा कि इसकी मार्केटिंग के लिए एक अच्छा था ये कुछ प्रोग्राम बनाया जाए, तो इसी शब्दों के साथ मॉनिटरिंग के लिए भी सुविधा होनी चाहिए और इसका प्लांट बैठाने वगैरह के लिए बहुत सारा फूड पैकेजिंग है इसका प्रोडक्ट वगैरह, उसके लिए भी सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं रंजन कुमार अमृत जी, अमृत जी न्यूज़ पटना बिहार, नमस्कार।